माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो। अरे बच्चा बंटी, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? चलो। डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। नहीं, मुंह दो बता लगे। डांडिया, चलो प्रैक्टिस करो। 1, 2, मारो! डूबो 600। क्या हंस कर रहे हो? उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में, और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपकी दिखाई गई अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी माँ, आपको उसकी जान बचानी होगी। गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाई जान के स्टेप्स कॉपी कर दें, तो देखो और सीखो। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उद्ध्वंसक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार? मेरा मतलब भयमार, मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया? और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिमनासा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से? अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिमनासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो चुड़ैल। बहरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई?
तिमनासा जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उध्वंसक को लगाकर भैमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भरारी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है बल्कि जिंदा अनमोल है और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भैमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है। बताया ना, बताया। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है बहरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जबदाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तो बतबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम तोबा तोबा, पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढ कर मेरे पास ले आए तो जाओ। दिया। बरानी की जय हो, बरानी की जय हो। धन्यवाद बरानी, धन्यवाद। अरे कार सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। बरानी की जय हो, बरानी की जय हो। आप किससे बात कर रही हैं नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पांव में स्प्रिंग लगी हो। जी, आपके सपूत के, मेरे मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उध्वंसक को ढूंढना होगा, उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए। कोई तो निकालो। अरे कोई साहब पकड़ने वाला है। आजा, सगे शांत रह, कानून साहब को पकड़ेगा। चिंटू बेटा, हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं, क्या करूं, एक मिनट। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। किस नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है? बोलो। नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो, चौका तो विवान ही लगाएगा। वो
उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काल-लोक के इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी के जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल-लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी के तलाश में है, और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परी तारा को जागृत करना ही होगा, और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बाल परी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूं शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बाल परी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी। रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है अब मैं उसकी जम की क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सब तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विवान पर फेंकने वाला था। अरे हो ही नहीं सकता, ये चिंटू का लाया हुआ सांप। हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसे बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। तकलीफ में शौर्य, उन्हें रोके ये तब करने से। बाल परी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वाला परी, इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तप के बाद भी परी तारा जागृत नहीं हुआ तो? अगर बाल परी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नीयत की ताकत पे
विश्वास रखो ज्वाला परी, हमारी उम्मीदें ही बाल परी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल में अगर उसने अपनी माँ को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्वंशक कहीं है इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो साहब? हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और। हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना? पहली बात, जो तुमने सांप देखा ना वो नकली था, और दूसरी बात, मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चल चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ, एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया, क्या अजीब लोग हैं। बोबू तितली। बालवीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सब के सब भारत नगर में आ जाइए। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देकर डर गया होगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही है वायुपरी, अगर मैं उध्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उध्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो। नकली साहब, अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालो की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है के उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र कालोक में पाए जाने वाले खास नागकनों के फूलों का रस। नन्नी उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के आ जब दारी, और कभी कभी काम
अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। मैं जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सतली आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अच्छा। अब तो इनकी बैंड बजेगी। चल सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाश्ता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाचते हुए तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है तू? क्यों घूम रहा है हा? इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उध्वंसक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उध्वंसक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। अरे तुम फिर से आ गए, जान बचाने ही आएंगे? नहीं। अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो दे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? बोलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माइसेल्फ कहला और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, इसे ढूंढ रही है। मैं वो वो चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं। That is why I am गिर पड़े। वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं। हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल। कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी हो ही नहीं सकती। नहीं। हाँ आ रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। नजर रखनी पड़ेगी।
वो सांप कहाँ है? ओ हेलो भाई, क्या इंटरेस्ट हुए तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आयो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जिसे नकली सांप समझ रहे हो शायद वो नकली सांप ना हो। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला, सॉलिड चदमा लगा है आपको तो। परी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है, आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। किधर गया वो साहब? ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हा? बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं बालवीर हूं। उत्तराधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सवाल काल गुहार ग्रह के मिलने का है। बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ? शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा। ये है, ये है। से कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नाश्ता करने में बिजी हूँ। जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर। नाश्ता करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। ये लो, अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो। खाओ 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 आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है? हमें तो लगता है, मुझे लगता है बालवीर को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला। बालवीर को हटा के नया बालवीर बनना चाहते हो? अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवीर का कॉस्ट्यूम भी रखा है। बिनकया भया बालवीर, बिनकया भैरवी, तुम नासा का है, तुम नासा, बिनकया नया बालवीर, बिनकया है, बिनकया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है? किसी को मत बता। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात साहब की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो साहब कहाँ फेंका है? इन मजा की बुला लो, तुम्हारे लिए तो वो नकली साहब असली है, क्या पता शायद आ भी जाए।
बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उध्वंसक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। कब जागृत होगा ये परी तारा? कुछ कह नहीं सकते ज्वाला परी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उध्वंसक है तो सांप ही, पृथ्वी पर सांप को बिन मजा कर ही बुलाया जाता है। से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। तो नहीं परी, हम जहां कहीं भी जल्दी ही यहां आइए। परियो, उध्वंसक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ। परियो, मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उध्वंसक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उध्वंसक मेरे कब्जे में, उसे यहां से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया, बहुत परेशान किया है तूने हमें। लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर। नेत्र परी, अब यहाँ तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उध्वंसक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन we'll be right back.
सही कह रही थी नेत्र परी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बहुत शक्तिशाली और धीर है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना एकता में बहुत शक्ति है, हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। अब मैं इस उध्वंसक को नहीं छोड़ूंगा। भैरानियों में उध्वंसक, मेरा आदेश है छोड़ मुझे। अब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ। कभी सोचा नहीं था कि मुझे तिमनासा को बालवीर की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुझे किसी ने देख लिया तो फिर छुपना मत, बिना सोचे उत्तराधिकारी पर वार कर देना। कहाँ गया वो बालवीर? यकीनन वो उसी दिशा में गया होगा जहां मेरा उत्तराधिकारी है, मतलब भारत नगर। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। चलिए। इतना बड़ा सांप कहां से आया ये अचानक? कहाँ हो तुम बालवीर? यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खतरे में हैं बालवीर, कहाँ हो? We'll be right back.
ऊर्जा खत्म हो रही है शौर्य, कुछ तो कीजिए, इस तरह तो उनके प्राण भी जा सकते। बाल परी की ऊर्जा से ही परी तारा जागृत होगा। बाल परी का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। परी तारा किसी भी क्षण उत्तराधिकारी का पता लगा लेगा। अब हमारे पास और समय नहीं है, अब हमें जल्द से जल्द अपने असली रूप में आके इन सबको बचाना पड़ेगा। हाँ, हेरो परी, मेरे तीन तक गिनते ही सब एक साथ अपनी अपनी शक्तियां आसमान में छोड़ना। मैंने आप सबकी शक्तियां अदृश्य कर दी है। एक, दो, तीन। बालवीर, उद्वंशक को बस कुछ ही देर के लिए बेबस कर दिया है हमने, पर हमारी शक्तियाँ उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। मैं जानता हूँ वायु परी, लेकिन आप सब परी अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मैं अकेले ही उद्वंशक से लड़ूंगा। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इससे कैसे निपटोगे? तुम कमजोर हो गए हो, और ये उद्वंशक, ये बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए मैं एक बार क्या, बार बार मरने के लिए तैयार। चिंता मत करो अस्थी परी, एक बालवीर ही है जो उद्वंशक को हरा सकता है। ये सांप बहुत खतरनाक है, आप सबको कहीं छुपना होगा। है कोई सुरक्षित जगह? है, मेरा घर, वो नजदीक भी और सुरक्षित भी, क्योंकि वो विमान का घर है। ठीक है, तो आप सब इसके घर पे चले जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जल्दी जाइए। विमान, चलो चलो चलो, जल्दी चलिए। खुशी, जल्दी जल्दी चलिए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ। जान बचाने का वाकई बहुत शौक है ना तुम्हें? पार्टनर, ये मेरा मोहल्ला है, मैं सब संभालूंगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। सब लोग इस तरफ चलो। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। लगता है अब मुझे ही जादू से सबको इस दिशा में खींच लाना होगा। चलो चलो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, चलिए जल्दी चलिए। मम्मी, चलो 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 चलो। अरे इतना डरपोक बच्चा तो बालवीर हो ही नहीं सकता। फिलहाल भाड़ में गया बालवीर, अपनी जान बचा ले। तोबा तोबा। विवान, तुम भी घर के अंदर जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे, जाओ। पारी, सुरक्षित रहने से ज्यादा मुझे सुरक्षा करने का शौक है। इस मोहल्ले का नुकसान करने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है, चाहे वो इंसान हो या इतना बड़ा सांप। कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। हमें लेकिन, अरे बोलो नहीं सुनो, चलो अंदर, चलो देव तुम भी चलो। नहीं देखिए, मैं सांप को संभालूंगा, आप जाइए, आप विवान को लेकर जाइए, जाइए।
शरारती सही, पर लड़के में हिम्मत तो है। बालवीर, मित्र परी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप बाकी परियों के साथ अंदर जाइए। आप कमजोर है, मैं आपको लट्टे नहीं दे सकता, जाइए। कमजोर तो तुम भी हो, हम दोनों होंगे तो एक से भले दो होंगे। नहीं नेत्र परी, मैं आपको लटने नहीं दे सकता। अब आप मोहल्ले वाले और बच्चों की सुरक्षा कीजिए, जाइए घर के अंदर, जाइए जाइए। इतना बड़ा शरीर होने का एक नुकसान होता है, ये मेरे जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। ओए सब बोले, इधर हूं मैं। चलिए, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आइए सब लोग, चलिए इस तरफ चलिए। अरे जल्दी चलो अंदर। मम्मी मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाएगा तू। आप लोग ठीक है ना? मेरा मकसद मानव जाति की रक्षा करने का नहीं, बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है, जिसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मुझे मेरे कब्जे में चाहिए। किसी भी तरह यहाँ से निकलकर मुझे उद्वंशक को मारना ही होगा। मम्मी, दीदी। हाँ दीदी, कहाँ पे? खुशी, दीदी, खुशी, पापा जी, खुशी कहाँ है? खुशी, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। खुशी, मैं लेकर आती हूँ उसे।
शांत हो जाओ, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो अपने मोहल्ले में नया लड़का है ना देव, वो बाहर ही है, वो खुशी और विवान को लेकर ही आएगा, देख लेना। नहीं नहीं, दीदी दी है माँ, आज वो काफी नहीं है, आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जागृत करने में नाकामयाब हो गए शौर्य। उठिए बाल पर, कामयाब नहीं हुए ज्वाला परी, वो है बालवीर का उत्तराधिकारी। सच में साइकिल की नहीं, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, घर जाके कपड़े होता हर शहर से बालवीर का बोल कि बालवीर वाले कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो?
फ्री फ्री का तो मैं से प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। अरे एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चल। मतलब जिस लड़के ने मुझे अब तक सबसे ज्यादा परेशान किया है वही है मेरा उत्तराधिकारी। हाँ मम्मा, जिसका भाई विवान हो उसे क्या हो सकता है? आपको पता है विवान सच में स्पेशल है। मतलब? उस इतने लंबे सांप को पता है किसने मारा? किसने? विवान ने। क्या बात है विवान? आप सब जिसको बदमाश और शरारती समझते थे, आज उसे विवान ने इस मोहल्ले को बचाया है। अब तो यही है यहाँ का बालवीर। इतनी बार टकराया मैं इससे, कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ही नया बालवीर बनेगा। बाल बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? फ्री फ्री का तो मैं से प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। अब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। आखिरकार मिल ही गया। मेघा जी, क्या मिल गया? वो चैन। हाँ चैन मिल गया। वो क्या है कि वो सांप को लेकर मैं बहुत ही बेचैन थी ना, पर विवान ने उस सांप को मारकर मुझे चैन दिला दिया। अच्छा अच्छा, इसी बात पे शूरवीर विवान के लिए जोरदार तालियां। कितने खुश हो रहे हैं ये नादान, बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस लड़के के जरिए मैं इन सब पे राज करने वाली हूँ, और फिर क्या हाल होने वाला है इनका। आज से हमारे मोहल्ले का यही है हीरो नंबर वन। भैया आइडिया तो मुझे भी आया था, अगर आप उस सांप पे बैठते ना तो आज आप होते हीरो। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर तुझे पहले बताना था ना चिंटी। माता रानी की कृपा है कि ये भला टल गई, आज की आरती विवान ही करेगा। पंडित जी,
अगर विवान के हाथों ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे देव और इनकी हिम्मत भी शामिल है। आज आप तीनों मिलके कीजिएगा आरती। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया है, असली बहादुरी तो इन दोनों ने दिखाई है, पूजा भी इन्हीं दोनों को करनी चाहिए। शुक्रिया माँ, आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक और परीक्षा पार हुई, आपकी वजह से आज इस दुनिया को नया बालवीर मिला। बचा तो लिया, अब जाके आरती भी उतार लो नए बालवीर की। ऐसा मैं नहीं, कार्लोक वाले बोलेंगे। जितना छोटा तेरा शरीर है उतना ही छोटा तेरा दिमाग भी। बालवीर के इस उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में लेकर तिमनासा पूरी दुनिया पर राज करेगी। इस पूरी दुनिया की पैरानी बनेगी तिमनासा। और इस उत्तराधिकारी के साथ क्या करना है ये तो सिर्फ तिमनासा ही जानती है। बोले अम्बे मात की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सगे बोला जय माता दी। दिल से बोलो जय माता दी। अम्बे मात की जय। न्यूज में पढ़ा था दो मुंह वाला सांप होता है, मगर इतना बड़ा सांप होगा ये नहीं पता था। सही कह रहे छेड़ा जी, लगता है किसी ने हाइट बढ़ाने वाला महंगा दूध पिलाया होगा, मगर ऐसा दूध आता कहाँ होगा। मैं भी अपने चिंटू को पिलाऊंगा, आपको पता चले तो बताइएगा, तब तक मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। हमारे इतने दिनों की खोज आज जाकर पूरी हुई, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो बालवीर, ऐसा क्यों? ध्वनि परी, वो इसलिए क्योंकि बालवीर थोड़ा कमजोर हो गया है। बालवीर तुम चिंता मत करो, हमें हमारा नया बालवीर जो मिल गया है अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी विवान को नहीं बता सकते कि वो मेरा उत्तराधिकारी है। क्यों? उसे बताने से पहले मुझे शौर्य से बात करनी पड़ेगी, तब तक आप सब मिलकर विवान का ख्याल रखिएगा। ठीक है बालवीर। यही तो मैं चाहती थी कि बालवीर वीरलोक चला जाए, क्योंकि जब तक वो वीरलोक में रहेगा तब तक मैं काललोक में जाकर इसके उत्तराधिकारी के स्वागत की तैयारियां जो करूंगी। शौर्य, हमसे उत्तराधिकारी पहचानने में कोई गलती हुई? वो लड़का जो हमने ढूंढा है उसमें बालवीर बनने का एक भी गुण नहीं है। वो धरती लोक का सबसे शरारती बच्चा है, वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, परितारा से नहीं। तबा मजा आ रहा है, है? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए, जानता है मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे चपताली कुछ कर। आ गए, पहरानी है सामने। अरे पहरानी, पहरानी, पहरानी।
हैरानी है। किताब लीजिए ना। कसम ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि मेरा मतलब है कि कालोक के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ कालोक पिलाने वाले। हैरानी कहीं उसने यहाँ आकर फूम मचा दी तो तबाही। नादान हो तुम लोग जय सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर? कालवीर? अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर। लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। किसने किया वो तप शौर्य? आप चुप क्यों है शौर्य? बालपरी, के हाल में भी बालपरी बस तुम्हें ही याद कर रही थी। बालवीर, तुम यहां उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भैमार को देखकर आती हूं। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है मां। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। माँ आप आराम से बैठिए। माँ आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ही। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया?
इसके लिए बालवीर तुम चिंता मत करो, मैं कमजोर थी पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विमान की मम्मी? कैसी है निडर शूरवीर विवान की मम्मी? बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और अब रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफ है मुझे, नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विवान, मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम, वो करे दुनिया की रक्षा, मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा। इस काल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। अम्मी उंगली की कसम, बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना कौन सी है विधि? काल स्नान। काल स्नान आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले के वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी। और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिमनासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची, इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया ना कि बालवीर होता है? वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना। मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी, और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। जरा उधर देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। भैरानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोक का खास
वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। पैरानी, नन्ही उम्र की कसम, उस शेर ने वीरलोक में तो वो चढ़ा रखा है सुरक्षा कवच, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। भैरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालो पले कहते हैं। वीर लोग कहाँ है ये तिमनासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना। बालवीर, शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगले पूर्णिमा से पहले पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोक भी अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोक भी आ सके।